स्पेशल पिक की प्रक्रिया का इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर ये इंतजार जो आपका चल रहा है आज ही खत्म कर देता है, क्योंकि फाइनल कंफर्म उन 6 खिलाड़ियों के नाम बताने वाले हैं जो कि अहमदाबाद और लखनऊ की नई टीम में दिखेंगे। भाई इनके तीनों कोर प्लेयर रिटेन प्लेयर्स के नाम बताएंगे, कारण बताएंगे, डिटेल्स बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो आईपीएल 2022 के अगर आप फैन हैं और आईपीएल की कसम है आपको आईपीएल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो लाइक शेयर बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि सारी खबरें सबसे पहले दे देते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं लखनऊ की टीम की। भाई लखनऊ का लखनवी अंदाज इस पूरी प्रक्रिया से पहले ही दिख गया था जब इन्होंने केएल राहुल को तोड़ लिया था पंजाब किंग्स की टीम में। और इनके जो पहले खिलाड़ी रहेंगे ना वो भी रहेंगे केएल राहुल। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल ऑल दो अब कंफर्म है कि जाएंगे लखनऊ की टीम में, कप्तानी भी करेंगे, लेकिन कीमत पर थोड़ा सा विचार चल रहा है। दरअसल पहले इनसे कहा गया था इनको 20 करोड़ मिलेंगे, अब ये जो परिस्थिति नई उभरी है उसमें इनको 15 करोड़ से ज्यादा नहीं मिल पाएंगे नियम अनुसार। तो अगर हम नियम अनुसार जाएंगे तो इन्हें 15 ही मिलने वाले हैं, बाकी के 5 करोड़ रुपए शायद लखनऊ वाले अदर चार्जेस के रूप में इनके साथ कंपनसेट करें, क्योंकि भाई अगर 15 में इन्हें लखनऊ में खेलना होता तो 17 में तो पंजाब किंग्स ही रिटेन कर रही थी, पंजाब से इन्हें 17 में ले लेती, इनका ही फायदा था। तो डेफिनेटली नियम अनुसार 15, लेकिन 20 करोड़ रुपए की ये डील होगी। पहले खिलाड़ी केएल होंगे लखनऊ की टीम के, दूसरे खिलाड़ी जो कि लखनऊ की टीम के होंगे और ये भी ऑल दो कन्फर्म उसी समय हो गए थे, राशिद खान। हालांकि प्रक्रिया कुछ इस तरह की है कि हो सकता है कि राशिद ना भी जाए, बट अभी भी 90% चांसेस यही है कि लखनऊ में ही राशिद खान जा रहा है। इनके भी पैसों को लेकर ये दिक्कत है, 16 करोड़ रुपए की बात हुई है लखनऊ के साथ, बट राइट नाउ इनका जो बैंडविड्थ बनता है 11-12 करोड़ का ही बनता है। मुझे नहीं लग रहा कि लखनऊ वाले 16 करोड़ दे पाएंगे इन्हें। ऑल दो सनराइजर्स हैदराबाद को इन्होंने लात मारी थी, एक तरह से उसको लात मारना ही बोलते हैं, केएल ने भी ऐसे ही पंजाब के साथ किया था, क्योंकि टीमें आपको बहुत ज्यादा पोषित करती हैं 5-6 साल तक और आप सिर्फ 4-5 करोड़ रुपए के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे ही राशिद खान ने भी किया, सही किया गलत किया वो तो आप बताएंगे, वो तो टाइम बताएगा सब कुछ बताएगा, बट राइट नाउ दूसरे खिलाड़ी राशिद खान है। तीसरे खिलाड़ी है दोस्तों जो लखनऊ की टीम के हैं, वो है या तो ईशान किशन या यजवेंद्र चहल। राइट नाउ अभी भी लखनऊ वाले कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ईशान किशन को लें या यजवेंद्र चहल को लें, या फिर अगर हार्दिक पांड्या किसी ना किसी प्रक्रिया के तहत उपलब्ध हो जाए तो उनको लें। तो भाई पहली चॉइस तो इनको हार्दिक पांड्या की थी, लेकिन हार्दिक पांड्या नहीं मिलने वाले हैं इन्हें, वो क्यों वो आगे बताऊंगा। अब दो चॉइस बनती है इनके पास, या तो ईशान किशन को ले लें या यूजी चहल को ले लें, एंड चांसेस आर हाई कि लखनऊ वाले ईशान किशन को लेंगे। तो पहले यूजी चहल का भी नाम आ रहा था, बट राइट नाउ कंडीशन कुछ ऐसी बनी है, चूज कर सकते हैं। मोस्ट ज्यादा चांसेस लखनऊ की टीम में ईशान किशन के जाने के हैं, क्योंकि आपको ऐसा बल्लेबाज मिलता नहीं है, नीलामी से आप यूजी चहल को खरीद भी सकते हैं। तो यही बात है भाई कि ईशान किशन के ज्यादा चांसेस अभी भी लखनऊ में जाने के दिख रहे हैं। तो ये तीन खिलाड़ी केएल राहुल, राशिद खान और ईशान किशन लखनऊ की टीम में दिखने वाले हैं, लेकिन ये तो लखनऊ वाले थे। अब ये जान लेते हैं कि अहमदाबाद की टीम में कौन से तीन खिलाड़ी दिखेंगे। तो पहले खिलाड़ी जो अहमदाबाद में दिखेंगे इनके लिए एक लाइक बनता है श्रेयस अय्यर। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने भी दिल्ली छोड़ी और बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि कुछ अनबन थी, अनबन यही थी पैसों को लेकर। श्रेयस अय्यर को 17 करोड़ रुपए तक भी मिल सकते हैं अहमदाबाद की टीम में खेलने की, कप्तानी भी करने वाले हैं, क्योंकि कप्तान वैसे ही एवेन मिल नहीं रहा है आपको भी पता है। तो श्रेयस अय्यर 100% कन्फर्म्ड है कि अहमदाबाद की टीम की पहली पिक होंगे और पहली रिटेंशन होंगे, 15-17 करोड़ रुपए इन्हें मिलने वाले हैं। अब ये तो अहमदाबाद की पहली रिटेंशन थी, दूसरी रिटेंशन दूसरे प्लेयर जो कि अहमदाबाद में जाएंगे वो है हार्दिक पांड्या। दोस्तों दोनों ही टीमों को बारी बारी से मौका मिलेगा। अब केएल राहुल अगर लखनऊ ले लेती है तो अहमदाबाद श्रेयस अय्यर को लेंगे, उसके बाद जैसा कि मैंने बताया लखनऊ राशिद खान को ले लेती है, तो फिर हार्दिक पांड्या ही बचते हैं जो कि एक ऑलराउंडर भी है। दुनिया में भारत में वैसे ही आपको तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर मिल नहीं रहा, आईपीएल के ब्रांड प्लेयर है तो अहमदाबाद से ताल्लुक भी रखते, गुजरात से ही आते हैं, इसीलिए वो एक ब्रांड वैल्यू के पर्सपेक्टिव से भी रहेगा। हार्दिक पांड्या दूसरे खिलाड़ी होने वाले, विच इज ऑल दो कन्फर्म कि जाकर खेलेंगे अहमदाबाद की टीम। हालांकि शुरुआत में रिपोर्ट्स आई थी कि केएल राहुल और हार्दिक पांड्या एक साथ गठजोड़ बनाकर खेलना चाहते हैं, बट राइट नाउ अब वो एक बेमानी ही चीज है। तीसरे खिलाड़ी कौन है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लेना, आईपीएल की पिन पिन बराबर की सारी खबरें सबसे पहले हम टेलीग्राम पर दे देते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, गूगल पर जाइए, द रियल एमसीपी को सर्च कीजिए, सर्च रिजल्ट में जो पहला रिजल्ट आएगा उसे खोलिए, आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पेज पर पहुंच जाएंगे। भाई ये गूगल वाले तरीके से ही हमें फॉलो करना है, क्योंकि डायरेक्टली टेलीग्राम पर अगर आप माय क्रिकेट प्रोडक्शन सर्च करेंगे हम आपको मिल नहीं पाएंगे।
हमारे फेक जो अकाउंट्स है हमारे नाम से बहुत खुले हुए, तो गूगल वाला ऑथेंटिक तरीका जो है मैंने बता दिया है, फॉलो कर लेना। तीसरे खिलाड़ी अहमदाबाद के कौन होंगे, तो दो विकल्प है यहाँ पर, या तो डेविड वार्नर होंगे या कगिसो रबाडा होंगे या ट्रेंट बोल्ट भी हो सकते हैं। अब डेविड वार्नर का नाम तो आ रहा है कि अहमदाबाद में खेलेंगे, लेकिन एक पेच फंसा हुआ है, पेच है भाई पैसों का। अब अगर तीसरी रिटेंशन डेविड वार्नर होगी अहमदाबाद की, जो कि होने ही वाली है, तो आप ये मान कर चलिए कि ये जो तीसरी रिटेंशन है इसको लगभग 7 या 8 या 10 करोड़ मिलेंगे। डेविड वार्नर पिछले साल एसआरएच की टीम में 12.5 करोड़ रुपयों में खेल रहे थे, तो वो अपना डिमोशन चाहते नहीं, बहुत अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर वार्नर चाहे तो मना भी कर सकते हैं। अगर वार्नर मना करते हैं तो उन्हें नीलामी में बहुत फायदा होगा, वो 20 करोड़ में इजीली बिक जाएंगे, इसीलिए वार्नर मना भी कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में फिर अहमदाबाद जो अपना एक लास्ट खिलाड़ी, तीसरा विदेशी खिलाड़ी चुनेगी, वो रबाडा हो सकते हैं। तो ये अहमदाबाद का भी स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये थे 6 उन खिलाड़ियों के नाम जो ऑल्दो कंफर्म्ड है स्पेशल पिक के लिए। स्पेशल पिक की प्रक्रिया में सिर्फ 10 दिन का समय बचा हुआ है, तो स्पेशल पिक के लिए एक लाइक बनता है, 6 खिलाड़ियों के लिए लाइक बनता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए।